ये क्लास 12th का मैथ का चैप्टर 10 है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स एंड समीकरण के अनुप्रयोग। हम इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि जाम मिस के क्वेश्चन आते हैं। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बी बाउंडेड बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइंस एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 2 इज, तो इसका हो जाएगा ए नंबर होगा पाई। सेकेंड है, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स वाई एक्सिस एंड वाई इक्वल टू 3 इज रिप्रेजेंटेड एज, इसका जो ऑप्शन होगा इसमें इसमें इसका जो सही ये इसका है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाई एक्सिस एंड वाई स्क्वायर टू 3 इज, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर होगा, बी नंबर इसका 9/4 होगा इसमें। थ्री नंबर है, स्मॉलर एरिया इंक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 इज, तो इसका हो जाएगा बी नंबर पाई माइनस 2। फोर्थ नंबर है, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x इज, इसका हो जाएगा बी नंबर 1/3। फिफ्थ नंबर इसमें, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर एक्स क्यूब देन एक्स एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 एंड एक्स इक्वल टू 1 इज, इसका हो जाएगा बी नंबर होगा -15/4। सिक्स नंबर है, द एरिया ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्सटीरियर टू द पैराबोला यानी पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x, इसका हो जाएगा सी नंबर होगा 4/3 इंटू 8π-√3। सेवन्थ नंबर है, द एरिया बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस वाई इक्वल टू कॉस एक्स एंड वाई इक्वल टू साइन एक्स वेन 0 इज लेस इक्वल एक्स इज लेस इक्वल π/2, इसका हो जाएगा बी नंबर होगा √2-1।